ज़्यादा हो गया, शायद फिर वापसी की गाड़ी ना मिले। यहाँ से बिल्कुल भी जाने को जी नहीं चाह रहा। सॉरी सॉरी अल्लाह जी, वापसी का जी चाह रहा है। अच्छा यार, मैं वापसी के लिए ना एक शॉर्टकट रास्ता यूज़ कर रहा हूँ, तो देखें आप इस रास्ते पे कितनी ज़्यादा स्नो है। असल में जैसे जैसे हम जितना जितना ऊंचाई पे जा रहे हैं, ऐसे स्नो की जो क्वांटिटी है ये वो इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे तो रोड बिल्कुल जो है वो छुप चुका है, देखें रोड के ऊपर एक लेयर बन चुकी है। तो ये कितनी खूबसूरत जगह है यार, इस टाइम पे देखें, यहाँ पे जस्ट खामोशी है, यहाँ पे एक अकेला मैं ही हूँ, जस्ट खामोशी है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये आसमानी बिजली आपको चमकती हुई दिख रही है, ये अल्लाह अकबर। ये कोई आवाज तो अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है। स्नो का टाइम हो रहा है तो हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि मगरिब का टाइम काफ़ी करीब हो गया है और मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो इस बर्फ़बारी को एंजॉय कर सकते हैं। अभी जो है वो लोकेशन, आप अगर जानना चाहें कि किस लोकेशन से ये वीडियोस आपको देखने को मिल रही हैं, तो ये खैरा गली जगह का नाम है, खैरा गली, उसके करीब ही हूँ मैं। तो अभी आगे नीचे हम मूव करते जा रहे हैं। ये गलियार साइड पे बहुत खूबसूरत जगह है यार, और बहुत स्नो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही होती है। ये देखें कितनी मुश्किल है, ये पूरी ज़मीन पे एक लेयर बन चुकी है स्नो की। देखें कितनी अच्छी खूबसूरत सोसाइटी बनी हुई है ये। ये मैं असल में मेन रोड से हट के शॉर्टकट रास्ता यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगा होगा, एक न्यू कंटेंट, काफ़ी मुश्किल है यहाँ से उतरना। जस्ट खामोशी है यार यहाँ पे, क्या आप भी चाह रहे हो, आप लोगों का भी घर ऐसी जगह पे हो? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है जगह इस मौसम के लिए, बाकी और किसी मौसम के लिए नहीं, सिर्फ इस मौसम के लिए जगह मुझे बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल सारा रोड वाइट हो गया, देखिए आप, ये नीचे मेन रोड है, इस पे भी लेयर बन गई है। वो देखें आप, कुछ देर के लिए शायद मुझे रुकना चाहिए था यार यहाँ पे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, शायद फिर वापसी की गाड़ी ना मिले। यहाँ से बिल्कुल भी जाने को जी नहीं चाह रहा। सॉरी सॉरी अल्लाह जी, वापसी का जी चाह रहा है। अल्लाह कह रहे हैं वापिस हो जाओ भाई, वापिस हो जाओ। अल्लाह अकबर, ये देखें दरख्तों पे आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही है, एक खूबसूरत सा मंजर बनाने के लिए।
ये नीचे मेन रोड है, इस पे ट्रैफिक भी जैम हो चुकी है, आगे आप देख सकते हैं। हर एपिसोड इतनी खूबसूरत बनती जा रही है, इतनी खूबसूरत बनती जा रही है कि मैं कह रहा हूँ पहले ये अपलोड करूँगा फिर वो अपलोड करूँगा। बहुत एक हैवी किस्म का तूफ़ान हमें देखने को मिलने वाला है। शुक्र है मैं ऊपर नच्चा गली से आ गया हूँ, अगर मैं वहीं पे फंस जाता तो क्या होता। ये देखिए नीचे रोड्स बंद हो चुके हैं सब कुछ। रोड पे एक लेयर बन चुकी है जिस पे गाड़ियों का चलना मुश्किल है, हैवी मशीनरी अभी तक नहीं पहुंची इसको क्लियर करने के लिए, तो देखें क्या होता है। काफ़ी मुश्किल है नए ड्राइवर्स के लिए इस रोड पे कार को ड्राइव करना। ये देखिए इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बाइक ना लाया करें मरी में। देखा है गाड़ी में लोड करना ही पड़ जाता है जब ऐसे स्नो हो रही हो तो।